सारे बच्चे आईएएस बनते हैं, जिनमें से बहुत अच्छा अनुपात उन बच्चों का है जो एससी एसटी कैटेगरी से ओबीसी कैटेगरी से होते हैं। मैंने एक चीज देखी है, आपसे विशेष रूप से निवेदन कर रहा हूं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो समाज के पिछड़े समुदाय से आते हैं और उनको इस बात की बड़ी शर्मिंदगी होती है कि मैं पिछड़े समुदाय से हूं। उनको आरक्षण मिलता है, वो आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, और आईएएस आईपीएस बनने के बाद कोशिश करते हैं कि उनकी वो पहचान खत्म हो जाए कि वो पिछड़े समुदाय से हैं और वो किसी उच्च समुदाय के व्यक्ति से शादी ब्याह करके अपने आप को वहां एक्सेप्ट करवा लें किसी तरह से, ऐसी उधेड़बुन में लग जाते हैं। मैं आपसे एक बात का निवेदन करना चाह रहा हूं, जिस समाज से आप हैं उस समाज को लेकर शर्मिंदा कभी नहीं होना, एकदम नहीं होना। आप सिविल सेवक बनेंगे, नेता बनेंगे, पुलिस वाले बनेंगे, जज बनेंगे, जो भी बनेंगे, आपकी मुख्य जिम्मेदारी संविधान के प्रति है, अपने दायित्वों के प्रति है, एकदम ठीक बात, उसमें कोई कोताही करने भी नहीं चाहिए। पर ध्यान रखना है आरक्षण के पीछे का मूल तर्क क्या है। आप सोच के देखिए कि इस देश में कुल नौकरियां अगर मैं मान लूं केंद्र में तो 1 लाख के आसपास, जिनमें एससी समाज की 15,000 के आसपास होंगी। एससी समाज की कुल आबादी अगर हम देखें इस समय 16% से ऊपर आबादी है, अगर 150 करोड़ दिमाग में रखने या 140 करोड़ रखें तो 23 करोड़ के आसपास आबादी दलित समाज की या एससी समाज की भारत में। 23 करोड़ों में से अगर 15,000 लोग नौकरी पा लेंगे, क्या इससे दलित समाज की आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी? नहीं होगी, वो तो 15,000 की होगी। तो आरक्षण क्यों दिया जाता है? आरक्षण का उद्देश्य ये नहीं है कि लोग अमीर हो जाए, वो तो 15,000 होंगे। आरक्षण का उद्देश्य ये है कि जब पूरे एक गांव में एक दलित बच्चा या एसटी बच्चा या ओबीसी बच्चा आईएएस बनता है या जज बनता है, उस गांव के हर व्यक्ति को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि दिक्कत आएगी तो मेरा छोटा भाई मेरे साथ खड़ा हुआ है। और आपको वो छोटा भाई छोटी बहन बनना है। जिस दिन आप सफल हो जीवन में, आपके समाज ने बहुत आहुति दी है आपकी सफलता में, और आप जिंदगी भर भी उनकी मदद करेंगे तो अपना उधार चुका नहीं पाएंगे। कोई ऐसा काम नहीं करना जो गैर कानूनी हो, जो असंवैधानिक हो, ऐसा नहीं करना है। अपनी नौकरी की हदों में रहना है, अपने नियमों का पालन करना है। लेकिन जैसे आप आईएएस बनेंगे, आपके परिवार में कोई संकट में होगा आप उसकी हेल्प करेंगे करेंगे, ठीक वैसे आपके समाज में कोई संकट में है, पुलिस यदि उसके साथ बदतमीजी कर रही है, गैर कानूनी कृत्य कर रही है, तो उस पुलिस को आप फोन करेंगे तो उसके साथ कुछ गलत नहीं होगा, ये आप पक्का कर सकते हैं। अंबेडकर साहब से सीखना चाहिए कि मैं जिस पृष्ठभूमि से हूं उस पर शर्माना नहीं है, अगर वो पीछे की स्थिति है तो उससे लड़ना है और अपने साथ साथ अपने पूरे समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना है। तो पहली बात सीखनी है पढ़ाई, दूसरी बात सीखनी है अपने समाज का साथ देना, पीछे कोई भी हट सकता है। जाति को लेकर कबीरदास ने बड़ी गहरी बात कही थी कि व्यक्ति की पहचान उसकी योग्यता से होनी चाहिए, मेहनत से होनी चाहिए, जाति में क्या रखा हुआ है। उन्होंने कहा, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, ज्ञान पूछो, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। म्यान में क्या रखा है, तलवार की कीमत है। और यदि हम कहते हैं कि पिछड़े समाज के लोग पढ़ने में पीछे हैं, तो ऐसा क्या था कि एक बच्चे को मौका मिला और वो पूरी संविधान सभा में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति बन गया। इसका मतलब है कि अवसर मिले, जुनून हो तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है।